हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर कृपाली पटेल एंड आज हम सीखने वाले हैं एक पिचवानी आर्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ड्राइंग शीट का A3 साइज़ का पेपर लिया है, वाइट। आप जिस भी साइज़ में बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उस साइज़ का एक ड्राइंग शीट लीजिए। मैं यहाँ पर बाउंड्री छोड़ के काम करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ साइज़ का बाउंड्री छोड़ के एक पेड़ की टहनी बनाई है। हालांकि ये अभी लाइट शेड में है, डार्क करने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। ठीक है, आप जितनी लंबी और जिस साइज़ और शेप में बनाना चाहते हैं वो बनाइए। लीव्स मैं कुछ इस तरह के शेप देते हुए बनाने वाली हूँ। और आगे भी एक पिचवानी आर्ट में हमने टहनी और लीव्स का ही शेप क्रिएट किया था, बट वो थोड़ा डिफरेंट है और ये भी थोड़ा डिफरेंट है। हर लर्निंग क्लास में हम कुछ अलग ही सीखने वाले हैं। थोड़ा बहुत उस तरह का रहेगा, बट उसमें आपको कुछ तो नया देखने को मिलेगा। और नीचे मैं एक काऊ बना रही हूँ, उसमें भी काऊ थी, लेकिन वो काऊ और इस काऊ में बहुत फ़र्क रहेगा। थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन करके हम अच्छे से ये गाय का शेप देके बनाने वाले हैं। आप कहीं पे भी रेफरेंस लेके ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये काम करते वक्त बिल्कुल हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, शांति से बनाइए रेफरेंस लेके, अगर आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो। तरह से मैं गाय को पहले अच्छे से थोड़ा शेप दे दूंगी। गाय बना लिया है मैंने, ऊपर पेड़ की टहनी अच्छे से आ गई है और नीचे मैंने लोटस बर्ड्स बना लिए हैं, जो कि पिचवानी का एक बहुत ही बढ़िया पार्ट है। और बाउंड्री यार मैंने छोड़ दी है अच्छे से ठीक वाली। आप अगर जितनी साइज़ में छोड़ना चाहते हैं उस तरह से छोड़िए। एक्रेलिक कलर्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम, और कुछ राउंड ब्रश लिए हैं मैंने। तो कलरिंग स्टार्ट करते हैं। प्लेट ली है मैंने। सबसे पहले हम गाय से स्टार्ट करेंगे। तो गाय में कलर करने के लिए मैं यहाँ पे 3 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और मैंने स्किन कलर और वाइट कलर एक्रेलिक मिक्स किया है। ब्रश आप जिस भी साइज़ में कंफर्टेबल हो वो ले सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह के शेडिंग और शेप के लिए हम मतलब कौन से ब्रश से कंफर्टेबल है। ज़्यादा कुछ शेडिंग भी मैंने नहीं दिया है यहाँ पे गाय में, और इसको सूखने के लिए छोड़ के मैं टहनी में कलर कर रही हूँ। तो ये झाड़ था जो उसकी डाली में मैं ब्राउन कलर कर लूँगी। आप देखेंगे कि इस पेंटिंग में मैंने कहीं पे भी ज़्यादा 3 या 4 लेयर में शेडिंग करके काम नहीं किया है। सो जो भी बिगनर्स है वो भी इजीली इसको फॉलो करके पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से लाइट ब्राउन सबसे पहले, फिर कहीं कहीं कॉर्नर्स में डार्क ब्राउन, और थोड़ा भी येलो मिला के हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे शेडिंग देने में। तो ये टहनी हमारी बनके रेडी है। अब बारी आती है लीव्स की। आप लीव्स में जो भी आपका मनचाहा शेड करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन में थोड़ा सा लाइट ग्रीन मिक्स किया है, बहुत कम। आप पूरा डार्क ग्रीन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अच्छे से लीव्स में कलर कर लीजिए, और लीव्स का शेप आप जिस तरह का देना चाहते हैं वो दे दीजिए। लीव्स में भी मैंने कोई ज़्यादा शेडिंग नहीं दिया है, वही जो कलर मैंने सभी लीव्स में किया है वही मैं सिंपल किए जा रही हूँ।
पूरी चार्ट की टहनी को हम इसी तरह के कलर से लीव से भर देंगे, ठीक है। और नीचे ये जो लोटस के साथ हमने उसके लीव्स और शीड, मतलब लोटस के जो होते हैं जिसमें वो बना रहे पोर्शन, उसको भी मैंने ग्रीन और डार्क ग्रीन से ही शेडिंग से पहले भर दूंगी पूरा। देखिए मैंने डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन से उसे फिलअप किया, और अब जो लोटस की वो बर्ड है उसमें मैं डार्क पिंक और वाइट से थोड़ा शेडिंग देते हुए कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इजी पेंटिंग में आपको सिखा रही हूँ। बाउंड्री में मैं इस तरह से, अभी मैंने डार्क रेड कलर यूज़ किया है। बाउंड्री देते समय हमेशा शांति से काम कीजिए, बिल्कुल हड़बड़ाहट मत कीजिएगा इसमें। यहाँ पे मैंने डार्क येलो विथ लिटिल बिट ऑरेंज इसमें थोड़ा सा ही मैंने मिक्स किया है, और उसी का मैं शेडिंग देते हुए बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। बैकग्राउंड में आप अपने पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर चॉइस हमेशा आपके आधार पे आप ही डिसाइड कीजिए जिससे आपको पसंद हो। और हाँ, जो भी गाइस मेरी चैनल पे अभी नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल में हम ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से इजी पेंटिंग सीखते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट भी हम सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। काउ में थोड़ा सा मैं शेडिंग दूंगी, उसके सींग और थोड़े ऑर्नामेंट्स में कलर करना बाकी है, तो वो काम हम स्टार्ट करने से पहले एक पतली बॉर्डर लाइन डार्क ब्लू से मैं दे रही हूँ। बाउंड्री और बॉर्डर से हमारा पेंटिंग का निखार थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने किया है। आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑर्नामेंट में भी आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। अगर गोल्ड सिल्वर कलर आपके पास है तो आप श्योरली वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े 3D लाइनर का यूज़ कर रही हूँ वाइट ड्रॉप रखने के लिए। आप ये काम पतली वाली 00 या फिर 0x2 0x4 ब्रश से भी डॉट रख सकते हैं वाइट एक्रेलिक से। मैं ये काम यहाँ पे 3D लाइनर से कर रही हूँ, बट बेशक आप इसके लिए ब्रश का यूज़ कीजिए, मैं थोड़ा काम फास्ट करने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। क्या है कि इसमें थोड़ी सी 3D इफेक्ट का टच मिलता है, पेंटिंग थोड़ा बहुत अच्छे से लग दिखर के आता है, क्योंकि देखिए इस तरह से हम जो करेंगे वो 3D उभर के आता है काम हमारा, तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। पूरे लीव्स में मैं यही पैटर्न फॉलो किया हूँ। और देखिए काउ में मैं थोड़ा सा बाउंड्री दे रही हूँ परमानेंट मार्कर का यूज़ करके। आप फिर से मैं कहूँगी, एक्रेलिक कलर से ही बाउंड्री करना चाहते हैं तो वो कीजिए, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है उस तरीके से कीजिए।
देखिए काउ हमारी रेडी है और ये थोड़ा सा मैं बाउंड्री में काम कर रही हूँ यहाँ पे, वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है। आप जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं, और अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री में आप कुछ पैटर्न बना के उसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। ये सारा काम ऑप्शनल है, लेकिन इसको थोड़ा और निखर के आने के लिए मैं ये कर रही हूँ। पूरे ब्लू कलर के स्ट्रिप में यही पैटर्न को फॉलो कर लूँगी। ओके, फाइनली आवर ड्राइंग इज कंप्लीटेड। गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।